पेंडिंग तो नहीं है? नहीं है। ओके, टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 3A। अब बच्चे जिस जिससे मैं पूछता रहूंगा उसी ने आंसर देना है, बीच में टांग नहीं अड़ानी किसी ने भी, ठीक है? ओके ओके सर, बिकॉज इट इज सो इजी एक्सरसाइज, कुछ भी नहीं है इस एक्सरसाइज में। यस सर। फर्स्ट सम, यस माही, हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 400 रुपी 12.50 शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ रुपी 1। सबसे पहले तो नंबर ऑफ शेयर्स सर 400 सर, नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू रुपीज 12.50, वेरी गुड, एंड प्रीमियम इज इक्वल टू 1, देयरफॉर मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू रुपीज 12.50 प्लस रुपीज 1। यस, प्रीमियम क्या है मतलब उतना रेट इंक्रीज होके वो मिल रही है रुपी 13.50। शिफा माइक ऑफ कर लो बेटा, शिफा शिफा माइक ऑफ प्लीज। ओके, नाउ मार्केट वैल्यू इज, प्रीमियम का मतलब बच्चे 1 रुपी, प्रीमियम मतलब 1 रुपी नॉमिनल वैल्यू में एड होके वो इतने में सेल हो रहा है। तो मनी रिक्वायर्ड माही 400 इंटू रुपीज 13.50, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, दैट इज 13.50। 400 इंटू 13, डेसिमल हटाया बच्चे नीचे, 100 जीरोस कैंसिल टू 0, 5 4 20, 2 12 14, 1 carry 5, रुपीज 5400 इज द मनी रिक्वायर्ड, दैट इज आंसर। सेकेंड सम बच्चे मुझे करवाएगा, कौन करवाएगा? अर्शिया। यस सर। How much money will be required to buy 250 shares? Number of shares are 250. Sir, 250. Nominal value 15. Rupee 15 share. Matlab nominal value is? Rupee 15. At a discount of rupee 1.50. Means? Market value of 15. 15 minus 1.50. Yes. 15 में से बच्चे 1.50 माइनस कर देंगे, रुपी 13.50 आ जाएगा, दैट इज द मार्केट वैल्यू। नाउ मनी रिक्वायर्ड, मनी रिक्वायर्ड सर, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई बाय मैच्योरिटी वैल्यू, मैच्योरिटी नहीं मार्केट वैल्यू। यस अर्शिया, मार्केट वैल्यू बच्चे, मैच्योरिटी वैल्यू नहीं है। यस सर, सर गलती से बोल दिया, मार्क्स भी गलती से कट जाते हैं। डेसिमल हटाया बच्चे नीचे, 0 2 0s, 0 0 से 1 0 इस 0 से, 25 5s are 125 12 25 3s are 75 12 87 8 25 8 33, मनी रिक्वायर्ड इज 3375 is answer. Now we have third sum. Bhavna. Yes, sir. A person buy 120 shares at a nominal value of rupee 40 each. मतलब उसने जो किस रेट पे खरीदा था, नॉमिनल वैल्यू के रेट पे खरीदा था। A person buy 120 shares. Number of shares equals to 120. And sir, nominal value equals to 40. Rupee 40. And market price 42.50. Market value is 42.50. No, market value नहीं है वो. Okay, sir.
टोटल मनी इन्वेस्टेड. ओके सर. या टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 120 शेयर जैसी मर्जी लिख दो लैंग्वेज, टोटल मनी इन्वेस्टेड. हाँ जी बच्चे कितनी आएगी? 42.50. भावना. यस सर. यू आर रॉन्ग. क्वेश्चन को रीड करो फिर से. ए पर्सन बाय 42.50 माइनस 40. नो बच्चे. ओके सर. क्या कर रहे हैं? टोटल मनी. बच्चे प्लीज शिफा माइक ऑफ करो बच्चे. यस सर. माइक ऑफ करो बेटा अपना. यस भावना. यस सर. 120 शेयर्स एट ए नॉमिनल वैल्यू ऑफ रुपी 40 ईच. मतलब उसने एक शेयर कितने में परचेज किया? 40 में. तो टोटल मनी इन्वेस्टेड मैं पूछ रहा हूं बच्चे. सो 40 into 120. यस दैट इज द टोटल मनी इन्वेस्टेड. 12 फॉर द 48. यस सर. 48 100 सर. सॉरी. व्हिच ही सेल्स एट रुपी 42.50 ईच. सेलिंग प्राइस ऑफ 120 शेयर्स. यस बच्चे. सो 42.50 माइनस 40 इंटू 12. बच्चे मैंने क्या किया है ये तो देख लो पहले. क्या पूछा है सर? कंफ्यूजन हो रही है थोड़ी सी. बच्चे मैं एक शेयर में नहीं फाइंड कर रहा. तुम एक शेयर पे प्रॉफिट फाइंड कर रहे हो वो भी सही है. दैट इज नॉट रॉन्ग. बट ऐसे करेंगे तो ज्यादा बेटर है. टोटल मनी इन्वेस्टेड मतलब कॉस्ट प्राइस ऑफ 120 शेयर्स इज 120 इनटू 40. सेल कितने में किया उसने एक शेयर? 42.50 में. तो 120 शेयर कितने में सेल करेगा? इनटू 120 मल्टीप्लाइड 0 से बच्चे 0 0 से 0 मल्टीप्लाई करो. 12 5 66 24 6 30 3 48 3 51. 5100 में 4800 उसने इन्वेस्ट किया था और मिला कितना उसको? 5100. तो उसका प्रॉफिट कितना है? SP माइनस CP. सेलिंग प्राइस 5100 है. कॉस्ट प्राइस कितनी थी उसकी? 4800. रुपी 300 इज द प्रॉफिट. 300. बट उन्होंने तो प्रॉफिट परसेंट पूछा है. हाउ वी कैन फाइंड प्रॉफिट परसेंट? सर प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला सिंपल. भावना यू आर नॉट एक्टिव. सर मुझे लगा 200 वाला तो नहीं था. 300 इनटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस 4800. 0 से 0 कैंसिल. 3 1 जा 1 6 4 के टेबल पे बच्चे 25 by 4%. इसको डेसिमल में करना है डेसिमल में कर दो. 6 4 24 6.25% प्रॉफिट पे बच्चे उसने सेल किया. किसी को कोई डाउट बच्चे इस सम में? नो सर. कौन से सम है ये? नो सर. थर्ड सम है बच्चे ये. नाउ द फोर्थ सम. Yes, Garima. Find the yes, cost sir. Of 85 shares of rupees 60 each when quoted at 63.25. Sir, total number of shares equals to 85. Total number of shares is 85. And B equals to rupees 60. Yes. Market value equals to rupees 63.25. मतलब कॉटेड वैल्यू इज द मार्केट वैल्यू. ओके
यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन को घुमा के लिखा है, सिर्फ मार्केट वैल्यू की बजाय क्या लिख दिया, कॉटेज प्रीमियम या एट पार, दैट इज द सेम थिंग, अबव मतलब अबव पार. अब फाइंड द कॉस्ट ऑफ 85 शेयर, देयरफॉर एमबी इनटू नंबर ऑफ शेयर. यस, 85 इज द नंबर ऑफ शेयर इनटू एमवी मार्केट वैल्यू 63.25. यू कैन कैलकुलेट दिस वन, हो जाएगा बच्चे. यस सर. किसी को डाउट कोई, रिद्धि, माही, सदफ, खुशी? नो सर. नो सर. नाउ द फिफ्थ सम, इट्स टर्न इज हंसिका. यस सर. ए मैन इन्वेस्ट रुपी 800 इन बाइंग रुपी 5 शेयर्स एंड दे व्हेन दे आर सेलिंग एट ए प्रीमियम ऑफ 1.15. He sells all the shares. Find his profit and profit percent. Yes. So investment is equals to 800 rupees. Total money invested? NV. Ek minute, bache. Total money invested is rupee 800. Haan ji, aage with N dot V, nominal 5 rupee. And premium is 1.15. So MV will be 6.15. Yes. Next. Sir, now we have to take out profit. So, sir, just a minute, sir. So, number of shares will be 800 upon 6.15. Sorry. Sir, wait. 800 upon 5. ध्यान से बच्चे क्वेश्चन को रीड करो, देखो. A man invests rupee 800 in buying rupee 5 shares. 5 rupee wale share mein. And when they are selling at a premium of, jab uska premium badh gaya, uski price badh gayi, to usne sale kar diye. Matlab purchase usne kitne mein kiya? 500 mein hi kiya hai. 5 rupee mein, sorry. 160 shares. Kitne share purchase kiye usne? 160 shares. अब आगे कैलकुलेट सीपी. सीपी तो है ही बच्चे हमारे पास 800. सॉरी, एसपी. एसपी विल बी 160. सेलिंग प्राइस ऑफ 160 शेयर्स. यस बच्चे, 160 इनटू 6.15. वेरी गुड. 160 into 615 upon 100. Zero se zero cut. 5 ke table pe bache. 1, 2, 3. Multiply karo. 8 3 is 24. 2 carry. 16 to 18. 1 carry. 819. Rupee 984. Now, so money in profit. Unhone pucha hai na, find his profit. Therefore, yes. His profit is SP minus CP. CP is the money invested. Yes, sir. SP is 984. CP is 800. Minus kiya bache? Rupee. Ab aage unhone profit percent bhi pucha hai. Yes? Yes, sir. Sir, 184 upon 800 into 100. Yes. Percentage में change करना है, into 100 होगा. और नीचे क्या आएगा? Money invested, मतलब cost price. 20 से 20 cancel. 8 2s are 16, 8 3s are 24. कितना percent profit हुआ उसको? 23%. Understood? किसी को yes. doubt बच्चे सम में कोई? No sir. No sir. किसी को नहीं है? सदफ? No. जब बच्चे कोई बीच में नहीं बोलता ना, समझ भी देखो, सारों को समझ आ रहा है अभी? सबको समझ आ रहा है ना? Yes, sir. और सबकी टर्न भी आ जाती है. Yes, sir. मतलब किसी को ये नहीं लगता कि मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछा, या मतलब सर मेरे पे ध्यान नहीं दे रहे. Sixth. Find the annual income derived from
125 share paying 5% dividend. Yes, Khushi. Yes, sir. हाँ जी बेटा बोलो कैसे करूं? Sir, number of shares 125. Yes. Nominal value 120 rupees. Rupee 120. और dividend rate 5%. Dividend is? 5%. 5%. यहाँ पर हम लोग ना एनुअल इनकम का वैल्यू लगाएंगे नॉमिनल डीआर आई मीन. हाँ जी बच्चे. यस सर. 5% 100 इनटू नॉमिनल वैल्यू दैट इज 120. हियर द मार्केट वैल्यू एंड नॉमिनल वैल्यू आर सेम. ओके, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रीमियम कोई कुछ नहीं बोला. 5/100 into 120 into number of shares. Yes, this is the profit on जो box में कर दिया. Profit on one share into 125, that is the profit on 125 shares. अब बच्चे कटिंग जीरो से जीरो कट कर दिया. 5 2s are 2 को 6 से 125 into 6 6 5 the 30 3 12 3 15 1 Rupees 750 is his total income, annual income. Koi doubt bache kisi ko? No sir. No sir. No sir. No sir. Now the next sum, seventh. A man invests rupee 3072. Money invested is rupee 3072 in a company paying 5% per annum. When its rupee 10 share can be bought for rupee 16 each, find his annual income. Ab yahan pe dekho bache, a man invests rupee 3072 in a company paying 5% per annum. That is the dividend. That is the dividend. 5%. When its rupee 10 share, nominal value rupee 10. Can be bought for, मतलब मार्केट वैल्यू पे परचेज किया था उसने 16 में. फाइंड हिज एनुअल इनकम. यस सदफ, नाउ इट्स योर टर्न. सर, एनुअल इनकम इज इक्वल्स टू 5% ऑफ 10 इनटू 190. यस, वेरी गुड. नंबर ऑफ शेयर्स. जो डिविडेंड है बच्चे वो नॉमिनल वैल्यू पे निकलता है हमेशा, है ना. 5% ऑफ, एक बार मैं ऐसे लिख देता हूं, 10 इनटू नंबर ऑफ शेयर्स. तुम्हारे पे डिपेंड है. ज्यादा बेटर है कि हम अलग से फाइंड कर ले नंबर ऑफ शेयर्स. ये भी सही है, ये गलत नहीं है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट ज्यादा बेटर है कि हम अलग से फाइंड कर ले. ठीक है, हो जाएगा. कितना? So 192. यहाँ पे इसके बजाय फिर से सीधा 192 आ जाएगा. मल्टीप्लाई कर लोगे बच्चे इसको? जीरो से जीरो, टू नाइन टू 18, सिक्स. एनुअल इनकम इज रुपी 96. ये आंसर आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का. यस सदफ, सेकंड पार्ट. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बच्चे. सर, आई हैव अ डाउट. बोलो बच्चे. सर, इसमें लिखा है कि अ मैन इन्वेस्ट्स रुपीस 3072 इन अ कंपनी पेइंग 5% पर एनम. सो दैट, सो सर दैट मींस दैट द कंपनी इज पेइंग 5% डिविडेंड. यस बच्चे, कंपनी पे करती है. यस सर. सर, इसमें पढ़ के लगा मुझे ना कि मैन पे कर रहा है. नो नो बच्चे. ओके सर. सर, परसेंटेज इनकम इज इक्वल्स टू 96 इनटू 100 बाय सम इन्वेस्टेड. सम कितना, मनी कितनी इन्वेस्ट किया उसने? 3072. इसको कट करना बच्चे एंड गेट द आंसर. ओके, निकल जाएगा आंसर 3 इनटू 1 अपॉन 8 है, ये चलेगा. 3 1 अपॉन 8 है. यस सर. पीछे क्या आंसर है? यही है.
सेवन सम का चेक कर लेते हैं बच्चे हम, मतलब ऑलरेडी तुमने सम कर लिए हैं, वेरी गुड। नहीं सर अभी अभी किया तो वो सही तो है बच्चे, ओके सर सही है। इसको डेसिमल में करना है डेसिमल में कर लो, मिक्स फ्रैक्शन में छोड़ना है मिक्स में छोड़ दो। एट सम, नाउ इट्स माही टर्न। माही आर यू देयर? यस सर। बच्चे बोलो। यस सर। सर मनी इन्वेस्टेड इक्वल टू ₹7,770। यस सर। डिविडेंड इज इक्वल टू 5%। डिविडेंड परसेंटेज इज 5%। आगे नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू ₹100। Nominal value is rupee 100. Sells at a premium of rupee 5. Sir, market value is equal to rupees 105. Number of shares bought? Sir, 7,770 upon 105. Very good. Market value पे बच्चे purchase किया उसने है ना? Cut कर लोगे? Yes, sir. कितना आएगा कट करके? 7 × 35 to 70 कितना आएगा? 4 पक्का? 74 चलो 74 आ गया बच्चे। अब सेकंड पार्ट माही। सर 5/100 × 100 × 74 कितना कितना? सर 5% ऑफ 100 × 74 नॉमिनल वैल्यू का बच्चे 5%, जो डिविडेंड है हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे निकलता है, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स 74, 5/100 × 100 × 74, 100 से 100 कैंसिल, 5 को मल्टीप्लाई करो, 4 से 5 हो जाए 22, रुपी 370 इज द एनुअल इनकम। एंड नेक्स्ट इज परसेंटेज इनकम। Now the percentage income. Yes, bache, bolo. So 370 upon 7,770 × 100. Yes, percentage mein change karna hai bache, into 100 aayega upon money invested. Zero se zero. Cut ho raha hai aage. 74, haan. 37 × 2 = 74, 1. 100/21%, इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना है मिक्स में कर दो, दूसरे में चेंज करना है बच्चे दूसरे में चेंज कर दो, ठीक है। नाइंथ सम नाउ। जैस्मीन नहीं है अभी चली गई। नाउ यस इट्स अमन, आर यू लिसनिंग अमन? हाँ जी बच्चे, नाइन्थ सम आप करवाओ बच्चे मुझे। ए मैन बाइज ₹50 शेयर्स ऑफ ए कंपनी पेइंग 12% डिविडेंड एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, ₹10। हाँ जी बच्चे, ए मैन बाय ₹50 शेयर, व्हाट इज ₹50? अमन? यस सर। व्हाट इज ₹50? सर दिस इज द शेयर्स। Which value? Sir? No, बच्चे आपकी आवाज क्लियर नहीं है। सीरत छुपी बैठी है पता नहीं कहां पे। सीरत, सीरत आर यू लिसनिंग? सीरत नो। Shaurya? Yes, sir. A man buy ₹50 share of a company paying 12% dividend. Sir, here, sir, ₹50 is the nominal value. Yes. Sir, dividend percent is ₹12. Dividend is 12%. And sir, market value is equal to 50 plus 10, that is ₹60. Yes, 10%, 10 rupee premium pay, na? ₹60. First part?
So market value of 320 shares is going to be market value of one share into number of shares, that is 60 to 320. Market value of 320 shares? Sir, 320 into 60. Yes. 6 to the 12, 1 carry, 18,190. Rupees 19,200. First part ka answer. Second, bache, annual income. Sir, mujhe sir, annual income. सर एनुअल इनकम इज गोइंग टू बी नंबर ऑफ शेयर्स सर वो होगा 320 पहले बच्चे एक शेयर पे फाइंड करो सर कितना है डिविडेंड 12% है ना यस सर 12% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ठीक है सर ये नहीं क्लियर हुआ आप ये एनुअल इनकम कैसे निकाल रहे हो बच्चे जो डिविडेंड है वो हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे लगता है ओके नॉमिनल वैल्यू एग्जांपल में एक फॉर्मूला दिया सर वैसे डायरेक्टली नहीं कर सकते डायरेक्टली कर लो ठीक है सर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स ये मैं इजी वे से कर रहा हूँ बच्चे हमने सब समझ में ऐसे किया है देखो 12% ऑफ 50 एक शेयर का प्रॉफिट आ गया yes. और कितने शेयर हैं 320 शेयर्स हैं तो इनटू 320 ओके सर दैट इज हिज एनुअल इनकम यस सर 12 अपॉन 100 इनटू 50 ये हम समझ के कर रहे हैं फॉर्मूला को रट्टा मारना पड़ेगा ठीक है 12 5 60 इंटू 32 0 6 2 12 वन कैरी 18,190 दिस इज द हिज एनुअल इनकम अब थर्ड क्योंकि सारे सम्स में वही सेम चीज आ रही है एनुअल इनकम प्रॉफिट परसेंट एनुअल इनकम प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट परसेंट के लिए पहले प्रॉफिट निकालेंगे सर उसके लिए टोटल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे यस सर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस सर कॉस्ट प्राइस सर 50 इनटू 320 50 क्यों बच्चे क्यों 50 50 क्यों आएगा शौर्या सर कितने में परचेज किया उसने एक शेयर 60 में नहीं किया ये मार्केट वैल्यू नहीं फाइंड की थी हमने 12 19200 ओके यस सर ठीक 2 जीरोस आर कैंसल्ड 10 तो उसका प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया 10% आ गया बच्चे हमारे पास अंडरस्टूड कोई बात नहीं एक दो सम और करेगा तब क्लियर हो जाएगा नॉमिनल वैल्यू एंड उसमें क्या डिफरेंस है ए मैन बाय रुपीज 75 शेयर्स एट ए डिस्काउंट ऑफ रुपी 15 ऑफ ए कंपनी पेइंग 20% डिविडेंड नाउ इट्स सीरत आर यू देयर ये लास्ट में कौन है सृजल हाँ सर हाँ जी बच्चे 10 सम A man buys rupees 75 shares at a discount of rupee 50. What is 75? Sir, shares. Sorry. Garima, karwao bachche mujhe. Yes, sir. Sir, in this, sir, NB is rupees 75 and MB will be 75 minus 50, that is 60. And the dividend is 20%, sir. When we have to find the shares of 120, sir, we have to into by 60. हाँ, अब सुन लो फिर से. A man buy rupees 75 share. मतलब nominal value उसकी 75 है. At a discount of rupee 15. 15 rupee के discount पे purchase किया. 75 minus 15, 60 में purchase किया एक share. Paying dividend percent, हमें 20% given है. Find the market value of 120 shares. Yes, Garima. 60 into 120. 60 into 120. Market value pay. 12,672. 7,200 rupees is the market value. Second, annual income. Number of share into rate of dividend into face value. हाँ जी बच्चे क्या लिखूँ मैं? या मुझे सीधा बताओ फॉर्मूला नहीं लिख रहा मैं सर 20% ऑफ 20% ऑफ 75 75 इनटू 120
नंबर ऑफ शेयर 20 अपॉन 100 इंटू 75 इंटू 120, टू जीरोस बच्चे कैंसल्ड, 75 टू 150 इंटू 12 जीरो, 15 टू 33 1800, दैट इज हिज एनुअल इनकम. थर्ड प्रॉफिट परसेंट, वही सेम फॉर्मूला, तीन चार सम सेम टाइप के आगे बच्चे हमारे पास. यस गरिमा, 1800 डिवाइडेड बाय 7200 इनटू 100 परसेंट इक्वल्स टू 25. वेरी गुड, ऐसे होना चाहिए हर रोज तेरा रिस्पांस, कभी कभी सुस्त हो जाती है. वेरी गुड, सेम क्वेश्चन. देखो एनुअल मार्केट वैल्यू हम 120 शेयर्स की फाइंड कर चुके हैं, पर प्रॉफिट परसेंट निकालना है, इनटू 100 होगा ही होगा क्योंकि परसेंटेज में चेंज करना है. 1800 हमारी इनकम आई थी टोटल, इनटू 100 अपॉन टोटल मार्केट वैल्यू या जितने में उसने परचेज किए, तो हमारा आंसर आ जाएगा 25%. दिस इज आंसर. Now the 11th sum. Yes, Sadaf. Yes, sir. So first number of shares is 300. Yes. Nominal value is 50. Rupee 50 share. Paying 20% dividend. So first we have to find annual income before paying income tax. We have to find the net income, matlab annual income. So 20% of 50 into 300. देखो उसने यहाँ पे कुछ mention नहीं किया कि उसने 50 में परचेज किया है कि किसी और वैल्यू पे, बट मार्केट वैल्यू उसने कोई दी नहीं, तो नॉमिनल वैल्यू पे ही परचेज होगा. ओके, एनुअल इनकम 20% ऑफ 50 इनटू 300. यस बच्चे, सर 3000. ऐसे नहीं, ऐसे तो मैम को ये लगेगा चीटिंग की है, है ना? यस. 5 3 15 2 30, साथ में टू जीरोस, एनुअल इनकम इज रुपी 3000. अब सेल टैक्स या इनकम टैक्स, सर 3% ऑफ, सो 3/100 इनटू 3000. जितनी उसकी इनकम है, जितनी उसकी इनकम टैक्स, देखो इनकम टैक्स तो इनकम पे टैक्स, इनकम उसकी 3000 है तो 3000 पे ही टैक्स लगेगा ना. इनकम टैक्स इज रुपी 90, तो नेट नेट इनकम इक्वल्स टू 3000 माइनस 90. समझ आया बच्चे टैक्स का मतलब, जो गवर्नमेंट को हम पे करते हैं अपनी इनकम पे. इनकम हमारी 3000 आई है, 3000 पे टैक्स कितना लग गया 3%, वो हमने अलग से निकाल लिया, उसको माइनस किया, क्या आ जाएगा 2910, दैट इज हिज नेट इनकम. नाउ द 12th सम, कितने सम्स हैं, 15 सम्स ही है ना, आज खत्म कर लेते हैं, आज काफी ज्यादा नहीं हो रहा काम, 27 मिनट ही हुए हैं अभी, मजा आ रहा है आज काम करने का? यस सर. यस सर. एक तो टर्न सबकी आ रही है और मतलब सम भी सारे हो रहे हैं और समझ भी सबको आ रहा होगा आज. 12th, a company pays a dividend of 15% on its 10 rupee share from which it deducts income tax at the rate of 22%. Find the annual income of a man who owns 1000 share of this company. Harsh, करवाओगे बच्चे मुझे? सर ट्राई करेंगे. चलो बताओ फिर बच्चे. सर डिविडेंड 15% है. डिविडेंड 15%. सर
नॉमिनल वैल्यू 10 रुपी है. नॉमिनल वैल्यू रुपी 10 है. यस. इनकम टैक्स हमें दिया हुआ है 22%. इनकम टैक्स रेट 22%. फाइंड द एनुअल इनकम ऑफ ए मैन हु ओन्स 1000 शेयर ऑफ दिस कंपनी. नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं उसके पास? 1000 है. अब यहाँ पे भी बच्चे कुछ नहीं बोला कि प्रीमियम पे है या डिस्काउंट पे है, तो नॉमिनल वैल्यू पे परचेज किया उसने. यस बच्चे, एनुअल इनकम बोलो बच्चे. हर्ष सर, एनुअल इनकम 10 इनटू 15% इनटू 1000. 15% ऑफ 10 रुपीज इनटू 1000. यस, वही सेम सब में वही चीज आ रही है. डिविडेंड परसेंट कितना है? 15. किसका? नॉमिनल वैल्यू का. 15 क्या लिखूं यहाँ पे? 15 अपॉन 100 इनटू 10. यस, इनटू 1000. वेरी गुड. 20 से 20 कैंसिल. 15 इनटू 10 इनटू 10 रुपी 1500 इज द एनुअल इनकम. बट उसने इनकम टैक्स भी पे किया है. इनकम टैक्स? यस हर्ष. 1500 ऑफ 22%. यार नहीं, 22% ऑफ 1500. 22% उल्टा थोड़ा बोलते होते हैं. यस सर. आगे 22 अपॉन 100 इनटू 1500. वेरी गुड. 15 2 जा 33 इज द इनकम टैक्स. तो नेट इनकम 1500 माइनस 330. एक सेकंड बच्चे, दो मिनट वेट करोगे. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 13. यस अर्शिया. यस सर. करवाओ बच्चे मुझे. द मनी इन्वेस्टेड इज रुपीज 8800. वेरी गुड. Sir, then face value is MV. Huh? A man invests rupee 8800 in buying shares of a company of face value of rupee 100 each. Face value matlab N dot V is rupee 100. MV is 10% of 100. Premium 10% hai bache. Matlab 100 plus 10% of 100. Okay? Okay, sir. 100 plus percent hataya niche 100 into 100. 100 plus 10, rupee 110. That is the market value. If he earns rupee 1200 at the end of the year, uski annual income abhi hame given hai. Annual income kitni given hai? 1200. As dividend, find the number of shares. The number of shares is equal to a sum invested upon MV. Number of shares. Pehla part bache. 8800 upon money 100. Invested upon 100. Market value 110. 0, 11, 8, 88. तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने परचेज किए उसने? 80 शेयर्स. ओके. यस सर. आगे सेकंड पार्ट. डिविडेंड परसेंट. देखो बच्चे, एनुअल इनकम हमें गिवन है ना. यस सर. सर, अ डिविडेंड परसेंट इज इक्वल टू अ टोटल डिविडेंड अर्न अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय NV. बच्चे यहाँ पे हमें एनुअल इनकम का फॉर्मूला पता है ना. डिविडेंड परसेंट ऑफ डिविडेंड मान लो 6% 15% होता था, तो 15% ऑफ NV ना 100 इनटू नंबर ऑफ शेयर्स 80. यही करते थे ना हम. यस सर.
डिविडेंड को चाहे हम x परसेंट ले लो, यहाँ पे लिख दो लेट डिविडेंड परसेंट इज इक्वल टू x परसेंट. ओके, मतलब x परसेंट हटाया नीचे 100 इंटू 100 इंटू 80 इज इक्वल टू 120. यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? हाँ जी बच्चे, 120 कहाँ से आया? सॉरी सॉरी, एक जीरो खा गया मैं, भूख लगी थी मुझे. 8 1 8 5, तो डिविडेंड परसेंट क्या आ गया? 15% आ गया. ठीक है बच्चे, ये चीज समझ आई? वही जो हम बार बार फॉर्मूला लगा रहे थे ना एनुअल इनकम का, मतलब डिविडेंड जितने परसेंट गिवन होता था, डिविडेंड ऑफ नॉमिनल वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर, उसके प्लेस में मैंने वो लगा दिया और डिविडेंड को x परसेंट ले लिया था मैंने. Therefore, dividend percentage last में ये लिख देंगे. Okay? Rate of dividend is 15%. 14th sum. Mansumit, करवाओगे बच्चे मुझे 14th sum? Yes, sir. हाँ जी बच्चे. A man invests ₹1,680 in buying shares of nominal value ₹40.24. मनी इन्वेस्टेड कितनी है? सो 1,680 बाइंग शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू सर ₹20.24 एंड सर सेलिंग एट प्रीमियम रेट इज 12%. तो मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे? सर 12% ऑफ सर 12% ऑफ हाँ हाँ ठीक है बोलो 12% ऑफ 24 यस. प्रीमियम का मतलब नॉमिनल वैल्यू पे 12% इंक्रीज हो रहा है, तो 24 प्लस 12% ऑफ 24. ओके ओके सर. अपॉन 100 इनटू 24. Yes. तो मैं यहाँ पे कट नहीं कर रहा, मैं सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. 12 4 48 4 24 4 28 अपॉन 100. मैंने क्यों नहीं बच्चे इसको कट किया? क्योंकि पूरा पूरा कट नहीं होगा. 4 के टेबल पे कटोगे 25 आ जाएगा. 25 को डेसिमल में चेंज करना थोड़ा ज्यादा टफ है, अब यहाँ पे ज्यादा इजी है. 26.88 This is the market value. अब first part में बच्चे हमने क्या find करना है? Number of share he bought. Dividend percent भी हमें given है, 15%. पहले तो number of shares. 1680 divided by 26.88. कौन बोला? सर गरिमा. बच्चे turn किसकी थी? Okay sir, sorry. थोड़ा सा ध्यान रखा करो बच्चे, ठीक है? नंबर ऑफ शेयर्स जब किसी को नहीं आएगा मैं तेरे से ही पूछूंगा, ये तेरे को भी पता है ना? नंबर ऑफ शेयर्स 1680 अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, यू कैन फाइंड इट. हो जाएगा बच्चे? यस सर. उसके बाद एक चीज और, नंबर ऑफ शेयर डेसिमल में आ सकते हैं, कहीं ये मत सोचने लग जाना ये तो कट नहीं हो रहा जी, ये तो डेसिमल में आ गया, ये तो गलत है. नहीं, आ सकते हैं हम 12.5 शेयर 12.2 शेयर परचेज कर सकते हैं. अंडरस्टूड? 62.5. हाँ, इसका आंसर आएगा, इसी का आंसर है ना 62.5? यस सर. नंबर ऑफ शेयर्स परचेज 62.5. ओके, उसके बाद डिविडेंड ही रिसीव, डिविडेंड वाला फॉर्मूला वही, 15% ऑफ दिस मार्केट वैल्यू सॉरी नॉमिनल वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स. चलो मैं कर ही देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे. एनुअल इनकम या डिविडेंड रिसीव, दैट इज द सेम थिंग. हम जैसे उन्होंने क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखी है हम वैसे ही लिख देंगे. 15% ऑफ 20 नॉमिनल वैल्यू 24 इनटू नंबर ऑफ शेयर 62.5. 15% अपॉन 100 into 24 into 62.5 matlab 625 upon 10.
कट कर लोगे बच्चे? यस यस सर. 25 6 5 5 2 3 रुपीस 225 3 5 15 15 into 15 रुपी 225 इज द डिविडेंड रिसीव. शौर्य कुछ समझ आने लगा अभी? यस सर. सर थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया है. थोड़ा थोड़ा ही क्लियर हुआ, अभी तक पूरा नहीं क्लियर हुआ. सर मतलब हो जाएगा सर, एक बार खुद से भी प्रैक्टिस करूंगा ना तो सर. हाँ. फिर एक बार बैठे. चलो 15th, by investing rupees 7500 in a company paying 10% dividend, by investing rupees 7500, money invested is rupees 7500, paying 10% dividend, dividend percent is 10%, and annual income of rupees 500 is received. मतलब जो चीजें दी हैं छोटे बच्चों की तरह हम लिख रहे हैं सारी चीजें. एनुअल इनकम इज रुपी 500. व्हाट प्राइस इज पेड फॉर ईच ऑफ रुपी 100 शेयर. मतलब नॉमिनल वैल्यू इज रुपी 100. तो ईच शेयर मतलब मार्केट वैल्यू उसकी फाइंड करनी है हमने. यस कौन करवाएगा ये? सर मैं आई हंसिका. पहले कौन बोला था? सुनाई नहीं रही तेरा बच्चे, नाम क्या है? चलो माही बोलो बच्चे. सर एनुअल सर 500 इज इक्वल टू 10/100 10% ऑफ 100 into 7500 upon x. Upon x? Yes, sir. So x क्या लिख? What is x? The market value. माही. फिर लिखना था ना? Yes, sir. लिखा ही नहीं बच्चे. Let market value. ये लिखना पड़ेगा हमें. Yes, sir. सही है. हंसिका सही है ये? Sir, no. Sir. हाँ sir. क्यों सही है? नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे, फिर उसके बाद जो हमारी एनुअल इनकम है उसके साथ फॉर्मूला लगा देंगे. पर सर नंबर ऑफ शेयर हम इधर निकालेंगे. सही है बच्चे, नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करेंगे तो एक्स की फॉर्म में क्या आएंगे? यही आएंगे. ओ यस सर. हंसिका क्या हो गया? मैंने यस बोला सर. सही है. पहले तो रॉन्ग बोला था. नहीं सर मैंने सही बोला था. सदफ ओके. 10% ऑफ 100 बच्चे, दैट इज द प्रॉफिट ऑन या डिविडेंड इनकम ऑन वन शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स 7500 अपॉन एक्स. ये रुपीस काट दो. दिस इज इक्वल टू 500. 10 अपॉन 100 इनटू 100 इनटू 7500 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 500. एक्स बच्चे ऊपर चला जाएगा. 10 100 से 100 काट ही दो. 10 into 7500 और 500 नीचे आ गया बच्चे. 2 zeros cut, 15. तो x की वैल्यू क्या आ गई? 150 आ गई. देयरफॉर मतलब उसकी व्हाट प्राइस पेड फॉर ईच, मतलब हम लैंग्वेज ऐसी लिखेंगे. प्राइस इज पेड फॉर ईच शेयर. प्राइस पेड फॉर ईच शेयर, हम उनकी लैंग्वेज जो बुक में लिखी है ना उसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली चलेंगे. प्राइस पेड फॉर ईच शेयर is rupee 150. Answer. तो हमारी एक्सरसाइज बच्चे कंप्लीट. ओके एग्जाम्पल्स ही बहुत दे रखी है पर ऐसे है. उसके बाद 2, 3B and 3C साथ साथ हैं, इकट्ठी हैं. चलो एक्सक्यूज मी. हाँ जी बच्चे. सर हमें एग्जाम्पल 8 के थर्ड पार्ट में डाउट है. एग्जाम्पल 8 थर्ड पार्ट. If he receive only 10% on his investment, then the price Shahrukh paid for each share received only 10% on in his investment. मतलब जो उसका dividend है, उसकी investment का 10% है. समझ आई मेरी बात? Yes sir. चलो मैं करवा देता हूँ बच्चे. Example 8B. सारी की सारी करवा देता हूँ बच्चे. Third part अकेला नहीं.
ए कंपनी विथ 4000 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? थोड़ा सा डिफरेंट दे दिया इन्होंने, अच्छा समय ये इंपॉर्टेंट वन है 4000 बिकॉज इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर सम्स. नॉमिनल वैल्यू हमें गिवन है रुपी 110. ईच डिक्लेयर एन एनुअल डिविडेंड, डिविडेंड परसेंट कितना है 15%. कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी. डिविडेंड पेड बाय द कंपनी, टोटल डिविडेंड 15% ऑफ 110 नॉमिनल वैल्यू का इंटू नंबर ऑफ शेयर 4000, ये तो वही है ना, 15 अपॉन 100 इंटू 110 इंटू 4000, टू जीरोस कैंसल, 15 फोर जा 60 इंटू 110, 11 सिक्स जा 66, तो पहला पार्ट आ गया हमारा बच्चे आंसर 6600. सेकंड पार्ट सर ऊपर एक और जीरो आएगी, सॉरी 66000. सेकंड द एनुअल इनकम ऑफ शाहरुख हु होल्ड 88 शेयर इन द कंपनी. अभी शाहरुख ने कितने होल्ड किए हुए थे 88 शेयर, तो एनुअल इनकम ऑफ शाहरुख, यहां पे एनुअल इनकम ऑफ शाहरुख, फिफ्टीन परसेंट ऑफ 110 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स 88. समझ आ गई बच्चे शौर्या? शौर्या समझ आया बच्चे? शौर्या यस सर. 15 अपॉन 100 इंटू 110 इंटू 88, 10 इज कैंसल्ड, 5 3s are 5 2s are 2 के टेबल पे बच्चे 44, 11 3s are 33 इंटू 44, इन दोनों को बच्चे मल्टीप्लाई कर लो, 4 3s are 12, 12 12, 24 25, 2 12 2 14, रुपी 1452. दिस इज सेकंड. थर्ड, इफ यू रिसीव ओनली 10% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, मनी इन्वेस्ट कितनी की उसने पहले तो ये फाइंड करो. मनी इन्वेस्ट, हाँ जी बच्चे, एक मिनट बच्चे, लेट प्राइस मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर या परचेज प्राइस ऑफ ईच शेयर लिख दो, चाहे मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर, एक्स रुपी ले लो बच्चे, ठीक है. मनी इन्वेस्ट कितनी इन्वेस्ट की उसने मनी, एक्स इंटू 88, एक शेयर की प्राइस एक्स है और 88 शेयर की 88 एक्स आएगी, यही होगी. अब नाउ क्वेश्चन में बच्चे देखो क्या लिखा है, इफ ही रिसीव ओनली 10% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, मतलब एनुअल इनकम कितनी है उसकी, पहले तो हमने फाइंड की है ना कितनी आई थी रुपी 1452, वही लिख देंगे. इस साइड 10% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट 88x. हाँ जी शौर्य समझ आया बच्चे क्या किया मैंने? यस सर. जो चीज फाइंड करनी थी उसको एक्सलेट कर लिया. मनी इन्वेस्ट 88 शेयर उसने परचेज किए थे और ईच शेयर ऑफ एक्स रुपीज, तो 88x आ गया. 10 अपॉन 100 into 88x is equal to 1452. x bachche we have to find 1452 into 100 upon 10 into 88. 0 se 0 cancel, cut karo bachche isko. Kitne pe cut hoga? 11 1 za 11 35. ठीक है, 11 के टेबल पे बच्चे 8, यहाँ पे 11 वन जा 11 35, 11 थ्री जा 33, 22 2, 8 के टेबल पे पूरा पूरा कट नहीं हो रहा, 4 के टेबल पे कट कर दो 2, यहाँ पे बच्चे 6 4 के टेबल पे किया है, 4 थ्री जा 12, 4 थ्री जा 12 2 5, मतलब क्या लेफ्ट रह गया हमारे पास, 33 इंटू 5 रह गया, 33 इंटू 5, 5 3 15, 1 15 1 16 165.
That is the purchase price of each share. Understood? Yes, sir. समझ आ गई बच्चे? Yes, sir. चलो ये एक्सरसाइज बच्चे कंप्लीट करना, ठीक है? कल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, पहले एग्जांपल्स करेंगे उसके बाद. ओके? Yes. सर हाँ जी बच्चे, डाउट्स वाली क्लास? डाउट वाली बच्चे मैं टाइम कल डिसाइड करके देख के जब भी फ्री हुआ तो मैसेज मैं मॉर्निंग में डाल दूंगा. ओके सर, ठीक है सर. मॉर्निंग में के बाद ले लीजिएगा प्लीज. कितने बजे के बाद? सर 9:00. 9:00 के बाद कोई बात नहीं बेटा. ओके थैंक यू सर. बाय बच्चे. मतलब अभी तक कोई नहीं ना सुबह का? हां जी सर. मतलब अभी तक तो कोई नहीं आपने बताया सुबह का? सर आप कल ही बताएंगे? हाँ कल ही बताऊंगा बच्चे. ओके सर. मॉर्निंग में तो क्लास है ही 7:00 तो. यस सर, वो तो पता है. ठीक है, वो तो मैसेज में डाल दे रहा हूँ. नेक्स्ट बच्चे एग्जाम याद, मॉर्निंग में भी यहाँ तक ही कंप्लीट हुआ है बच्चे. फर्स्ट एक्सरसाइज ही कंप्लीट हुई है, वो स्टार्ट ही करनी है. अभी एग्जाम्पल स्टार्ट करनी है मॉर्निंग में और इवनिंग में भी सेम. ठीक है सर, जो आप कल मॉर्निंग में करवाओगे वही आप इवनिंग में भी करवाओगे? हाँ जी बच्चे. बाकी देख लो, सारे जने मॉर्निंग आ सकते हैं 7:00 तो फिर वन टाइम ही करवा दूंगा मैं. सर आ सकते हैं तो 7:00? हाँ जी बच्चे. नहीं सर नहीं आ सकते सर, क्लासेस है. कल संडे है. नहीं सर नहीं होगा. माही कल एक्स्ट्रा क्लास है. ओके चलो ठीक है बच्चे, फिर इवनिंग में भी लगा लेना बच्चे. ठीक है? यस सर, थैंक यू सर. ओके बेटा. थैंक यू सर. वेलकम. थैंक यू सर.